नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं अमित भोबिया। जम्मू कश्मीर में जवान ही जवान, लेकिन सवाल ये कि कितने जवान। कश्मीर के बाशिंदों की रक्षा के लिए मां भारती के सपूत चप्पे चप्पे पर खड़े हैं। अफवाहों के दौर में कोई घटना ना घट जाए, इसलिए सेना के जवान पग पग पर नजरें गड़ाए हुए हैं। एक तरफ जहाँ वहाँ की अवाम में असंतोष पैदा करने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अलगाववादी नेता भी शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों से ही मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने सेना के जवानों को कश्मीर पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर में अब कितने जवान हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमने पुराने रिकॉर्ड निकालकर इस बारे में जांच की तो कुछ ऐसा डाटा हमारे सामने आया। अमरनाथ यात्रा के वक्त खबर आई थी कि कश्मीर में 40,000 जवान भेजे गए हैं। उसके बाद खबर आई थी कि कश्मीर में 10,000 जवान भेजे गए हैं। पिछले सप्ताह खबर आई कि कश्मीर में 28,000 जवान भेजे गए हैं। उसके बाद रविवार की रात को सीआरपीएफ की 40 टुकड़ियां भेजी गईं। 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने 8,000 अर्धसैनिक बलों को घाटी के लिए रवाना कर दिया है। यूपी, ओडिशा और असम समेत देश के अलग अलग हिस्सों से इन अर्धसैनिक बलों को एयरलिफ्ट करके C-17 विमान के जरिए कश्मीर भेजा जा रहा है। कश्मीर में अब तक लगभग 90,000 जवान भेजे जा चुके हैं। घाटी के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं और धारा 144 लागू है। भारत सरकार की ओर से थल सेना, जल सेना, वायु सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान ने इस फैसले का विरोध भी किया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कौन सा नया राग अलापता है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने अमेरिका से भी मध्यस्थता के लिए मांग की थी, लेकिन भारत ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि इस मुद्दे पर भारत किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मध्यस्थता के लिए बयान दिया था, लेकिन भारत ने उन्हें भी नकार दिया और भारत की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगा दी। संसद में उड़ीसा के बीजू जनता दल के नेता ने 370 पर मोदी सरकार का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि आपको हम बधाई तब देंगे जब आप POK को भी भारत का हिस्सा बना देंगे। तो दोस्तों, मोदी सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।